हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा सोनी के ब्लॉग्स पर एक बार फिर से वार्मली वेलकम। आप लोगों ने आज की वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम उस ग्लो के बारे में बात करने वाले हैं जिसे ब्राइडल से लेकर शादी अटेंड करने वाला हर एक बंदा पाना चाहता है। तो इसके लिए आपको आज की रेमेडी को फॉलो करना होगा। अगर आप आज की रेमेडी की दोनों स्टेप्स को फॉलो करते हो तो मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपकी डल से डल स्किन भी चमक उठेगी। तो चलिए बढ़ते हैं रेमेडी की ओर। तो आज की हमारी रेमेडी की फर्स्ट स्टेप है स्क्रब। स्क्रब के लिए हमें एक साफ़ सुथरा सा खाली एयरटाइट कंटेनर ले लेना है। देन आपको इसके अंदर 2 चम्मच थोड़ा मोटा दरदरा पिसा हुआ चावल का आटा ऐड कर लेना है। हम यहाँ पर चावल के आटे का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एंटी एजिंग होता है और हमारी स्किन को काफ़ी हद तक लाइटन और ब्राइटन बनाने का काम करता है। हम यहाँ पर मोटे आटे का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे स्क्रब का काम भी करें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें इसमें ऐड करना है वो है कोकोनट ऑयल। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल भी इसमें ऐड कर रही हूँ। कोकोनट ऑयल भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। देन इसके बाद जो हम इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं वो है बॉडी वॉश। तो हमें यहाँ पर बॉडी वॉश भी 2 चम्मच इसमें ऐड कर लेना है। सो हम यहाँ पर बॉडी वॉश का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है और हमारी स्किन में मॉइस्चर को लॉक करने का काम भी करता है और साथ ही साथ इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी होती है। मैं इसमें फुल बॉडी के लिए बॉडी वॉश का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसे ओनली फेस के लिए बना रहे हो तो आप इसमें बॉडी वॉश की जगह पर फेस वॉश का भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा फोर्थ और लास्ट इंग्रेडिएंट है नींबू, तो मैं इसमें आधा नींबू का रस भी निचोड़ दे रही हूँ। नींबू भी हमारी स्किन को क्लीन करने का काम करता है और हमारी स्किन में एक अलग ही ग्लो चमक लेके आता है। इसके बाद हमें इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और ये हमारा नेचुरल केमिकल फ्री स्क्रब बन करके तैयार हो चुका है। इसे हर स्किन टाइप पर यूज़ किया जा सकता है। और अगर हम बात करें इसकी सेल्फ लाइफ की तो आप इसे 15 से 20 दिन के लिए इसी तरह एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो। इसके साथ ही हम इसके रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। आप देख ही सकते हो 1 वॉश में ही हमें कितने अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। और अगर आप चाहो तो इसे फेस के साथ साथ फुल बॉडी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की ओर। तो इसके लिए हमें खाली बाउल में 2 चम्मच ग्राउंड फ्लोर यानी बेसन ऐड कर लेना है। यदि आपकी स्किन सनबर्न है या फिर आपकी स्किन पर किसी भी प्रकार के ब्लैक स्पॉट्स हो चुके हैं या एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है या फिर आपकी स्किन पर रिंकल्स आ चुके हैं तो ये उन सभी प्रॉब्लम से आपकी स्किन को छुटकारा दिलाएगा और आपकी स्किन को फेयर भी बनाएगा। इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे मार्केट से भी खरीदा जा सकता है या फिर घर पर भी बनाया जा सकता है। इसके लिए ऑरेंज के छिलकों को सुखाकर ग्राइंड करके बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लें और इस तरीके से आपका ऑरेंज पील पाउडर बनकर के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने आधा नींबू का रस भी इसमें ऐड कर दिया है। देन हमारा फोर्थ और लास्ट इन्ग्रीडियंट है आलू। आलू भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारी स्किन को डीपली क्लीन करता है, हमारी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को हटाता है, एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करता है। यदि हमारी स्किन सनबर्न हो चुकी है तो ये उसे भी काफ़ी हद तक ठीक करता है, ब्लैक स्पॉट्स पिगमेंटेशन जैसे प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है और स्किन पर एक बहुत ही अच्छी शाइन और निखार लाने का काम भी करता है। सो मैंने यहाँ पर आलू के पील्स को रिमूव कर दिया है और इसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। देन इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद ये कुछ इस तरीके से प्यूरी के रूप में आ जाएगा और इस प्यूरी को हम एक खाली बाउल में स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। और अब हमें इस पोटैटो जूस की मदद से अपना बॉडी पॉलिशिंग पैक बनाकर रेडी कर लेना है। और गाइस, यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए और अगर आप चाहो तो इसे अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि थोड़ा बहुत उनका भी भला हो जाए। और ये लें जी, बातों ही बातों में हमारा बॉडी पॉलिशिंग पैक बन करके तैयार हो चुका है। और अब हमें इस बॉडी पॉलिशिंग पैक को किसी भी ब्रश की मदद से या फिर अपनी फिंगर्स की मदद से स्किन पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है और इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। ड्राई होने के बाद हमें इसे डायरेक्ट वॉश नहीं करना है, इसके लिए इस पर थोड़ा सा पानी छिड़कना है और इसे सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए रिमूव करना है। मसाज करने से डेड स्किन सेल्स से रिमूव होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, स्किन डीपली क्लीन होती है और हमारी स्किन पर बहुत ही अच्छा ग्लो भी आता है।
हमें कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मसाज करना है और इसे नॉर्मल पानी के साथ वॉश कर देना है। और इसके बाद के रिजल्ट आप खुद ही देख सकते हो, स्किन पर एक अलग ही चमक आ गई है, स्किन शाइन कर रही है, स्किन से टैनिंग भी दूर हो चुकी है और साथ ही साथ स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी हो चुकी है। और इसी सॉफ्टनेस को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आपको अपनी स्किन पर कोई भी मॉइस्चराइज़र या फिर क्रीम अप्लाई करना है, जिससे स्किन को नरिशमेंट मिले और स्किन लंबे समय तक सॉफ्ट और शाइनी बनी रहे। सो गाइस, आज की रेमेडी कितनी इफ़ेक्टिव है आप खुद ही देख सकते हो। मैंने अपने हाथों के जितने एरिया पर रेमेडी अप्लाई की थी वहाँ पर, और जहाँ रेमेडी अप्लाई नहीं की थी वहाँ पर, आप दोनों जगह में डिफरेंस देख सकते हो। और अगर हम बात करें इसकी सेल्फ लाइफ की, तो आप स्क्रब को 15 दिन के लिए एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो। और अगर बात करें हम अपने बॉडी पॉलिशिंग पैक की, तो आपको बॉडी पॉलिशिंग पैक को इंस्टेंट ही बनाकर यूज़ करना होगा, क्योंकि इसे स्टोर नहीं किया जा सकता है। और अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप इसे इंस्टेंट ही बनाकर यूज़ करें। और अगर आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको इन दोनों रेमेडीज़ को डेली बेसिस पर यूज़ करना होगा। देन आपको 1 से 2 दिन के बाद ही इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर आप इन दोनों रेमेडीज़ को 1 वीक के लिए डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं तो आपकी डल से डल स्किन भी चमक उठेगी, आपकी स्किन पर एक अलग ही ग्लो नज़र आएगा, एक अलग ही शाइन दिखेगी। सो गाइज़, 1 वीक के बाद फीडबैक ज़रूर 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 शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।